मेरे शादी में शामिल होने से सिर्फ आपको इसलिए एतराज है कि मैं कभी आपकी पत्नी थी? तो मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं दे कि मैं और आप हम दोनों तो कभी पति पत्नी थे ही नहीं। शादी होने के बावजूद ना तो मैंने कभी आपको अपना पति माना और ना ही आपने मुझे अपनी पत्नी। हर एक कागज पे दस्तखत करके हम दोनों अलग भी हो गए, पर आज मैं यहाँ सिर्फ राधिका की बहन के रूप में आई हूँ, वो राधिका जिसकी आपके साथ शादी होने जा रही है। देव, याद है आपको, आपने मुझसे एक बात कही थी कि आप मुझे सब कुछ दे सकते हैं पर प्यार नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे प्यार नहीं दिया, क्योंकि ये प्यार तो सिर्फ राधिका का है और इस पे सिर्फ राधिका का हक है। और अगर आप दोनों एक साथ खुश हैं तो यकीन मानिए आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। पर मैं आपकी शादी में शामिल होना चाहती हूँ, प्लीज मुझे इजाजत दे दीजिए। राधिका, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी बहन हमारी शादी की हर एक रस्म में रहे तो वही सही, इससे मेरे घर वाले बहुत नाराज हो जाएंगे, पर अब उन्हें मनाना मेरी जिम्मेदारी। मैं बहुत खुश हूं कि आपने मुझे माफ कर दिया। नहीं विशाखा, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। जो कुछ भी तुमने किया विशाखा, उसके बाद मेरा तुम्हें माफ कर देना मुमकिन नहीं, ना ही मेरे घरवाले तुम्हें कभी माफ कर। और मैं ये सब कुछ राधिका की खुशी के कारण कर रहा हूं, सिर्फ राधिका की खुशी। राधिका, मैं दादी माँ से बात करके तुम्हें बताता हूँ जी। अपना ख्याल रखना। तो फिक्र मत कर विशाखा, वो अपने घर वालों को जरूर मना लेंगे। जानती हूँ, पर बाबूजी आज जो हुआ उसके बाद बाबूजी क्या निर्णय लेंगे कभी सोचा है राधिका? लल्ला लल्ला लल्ला, विशाखा से कुछ मत कहियो लल्ला। अब कहने के लिए शेष भी क्या है राधिका? जी बाबूजी। अतिथि से कहो कि अपना सामान लेकर इसी क्षण यहां से चली जाए। शास्त्रों में अतिथि को देवता माना जाता है और मुझे ज्ञात है कि अतिथि का इस प्रकार अपमान करने से मुझ पर दोष लगेगा, परंतु जिस अतिथि के घर में रहने से घर में क्लेश उत्पन्न हो, घर का अपमान हो, उसका इस घर से चले जाना ही उचित। लल्ला, तू को क्षमा काहे ना कर सकते है? अम्मा, क्षमा तो मैं आपसे मांग रहा हूं। इस लड़की के पक्ष में मैं एक शब्द भी नहीं सुन पाऊंगा। आज पुनः इसके कारण हमें अपमानित होना पड़ा। जो शीश केवल ईश्वर के सामने झुकता था, उसे आज समाज के सामने भी झुकना पड़ा। पर बाबूजी, आपको शर्मिंदा होने की क्या जरूरत थी? मैंने तो सिर्फ एक रिश्ता ही तोड़ा है, और क्या इस देश में तलाक नहीं होते? मैं वो घर छोड़ के इसलिए चली गई थी कि मेरा उस घर में रहना नामुमकिन हो गया था। अबूजी, मेरा दम घुटता था वहां पर। अबूजी, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना घर छोड़ के किसी जेल में जाके कैद हो गई हूँ। नहीं बाबूजी।
बिटिया को लक्ष्मी का रूप मानत है और तू अपनी बिटिया पर हाथ उठाने। ये मेरी बेटी नहीं है। मेरी केवल एक पुत्री है राधिका। इस कारण इससे कहिए कि इसे क्षण यहां से चली जाए। नहीं विशाखा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी कान्हा मेरे साथ ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। नहीं राधिका, नहीं विशाखा। हमको शास्त्री जी से ऐसा उम्मीद नहीं था चाची माँ। एक तरफ तो बेटी का तर्पण कर दिया, दूसरी तरफ बेटी को लाके घर में बैठा दिया। विशाखा को घर में बुला के शास्त्री परिवार ने इस शादी का घोर मजाक उड़ाया चाची माँ, घोर मजाक। नहीं नहीं बाबूजी, हमें तो लगता है ये शादी ऐतिहासिक शादी होगी। पहली बार ऐसी शादी होगी जिसमें पहली बीवी जूते भी छिपाएगी और मेहंदी में भी नाचेगी। क्यों भाभी, सही नहीं कह रहे हम? मम्मी जी, आप क्या सोच रहे हैं? मैं कुछ भी सोचूं, कोई फर्क पड़ता है क्या? आजकल मेरी बात सुनता कौन है यहाँ पर? ऐसा नहीं है बहू, तुम तो जानती हो जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे बेटे की खुशी के लिए हो रहा है। तब तुम आज ही इस खुशी में शामिल होने के लिए सिर्फ कुछ हम घर वाले ही रह जाएंगे। जानती है सिवरी वाली काकी ने फोन किया था, कह रही थी शादी में शामिल नहीं होगी। और जानती है क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस घर से एक बेटी हम सबको कलंकित कर कर भागी हो, उस घर से हम दूसरी बेटी कैसे ला सकते हैं। और सिमनी वाली काकी जो कह रही है ना, शादी के दिन हर रिश्तेदार यही बात करेगा। गाय बैल का सौदा भी नस्ल देखकर किया जाता और हम लोग जो हैं दुल्हन के। बस भी करो सुची, हम तो बस कर लेंगे चाची माँ, सुलझे हुए आदमी हैं हम। पर समाज बिरादरी का करिएगा, शास्त्री जी का करिएगा, तर्पण नवजल समाधि की नवटंकी के बाद। मैं शास्त्री जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। नाराजगी मुझे भी है लेकिन ऐसे विद्वान का अपमान हम नहीं कर सकते। अपमान तो हम भी नहीं करना चाहते चाची माँ, हम भी पुरोहित खानदान से हैं। विशाखा को घर में बुलाने के पीछे शास्त्री जी की कोई ना कोई बहुत बड़ी चाल जरूर है, बता देते हैं। कैसी चाल चाचा जी? आपको क्या लगता है वो लोग विशाखा को इस घर में वापस भेजना चाहते हैं? विशाखा से मेरे बेटे और इस परिवार का कोई लेना देना नहीं है। देव की खुशी सिर्फ राधिका में और वो ही इस घर की छोटी बहू बनेगी। और मैं देखती हूं ऐसा होने से कौन रोकता है। दादी माँ, आप काफी थक गई हैं, चलिए। गुड नाइट मेरी नानी। भाभी, समझ में नहीं आया कुछ, आपने विशाखा के बारे में एक शब्द नहीं कहा, पार्टी बदल ली क्या?
अर्जुन, तुम्हारी पत्नी दीपिका तुम्हारी अकल अपने मायके साथ लेकर गई। और चाचा जी आप भी। बात क्या है बड़ी बहू? विशाखा के लौट कर आने का इतना विरोध नहीं करना चाहिए था। विशाखा का वापस आना तो हमारे लिए अच्छा साइन। हमारे लिए तो यही अच्छा है कि विशाखा इस शादी में रहे। इस पत्ते का इस्तेमाल हम जरूर करेंगे, लेकिन सही समय आने पर अपने फायदे के। दरवाजा खोलिए ना। भोजन कर लीजिए जी। मेरी इच्छा नहीं, आप कर लीजिए। थोड़ा सा कुछ तो। अन्न पर काहे गुस्सा कर रहो है लल्ला? खाना खाई ले। जिसके घर में आग लगी हो अम्मा, वो चैन से बैठकर मुझे कैसे कर सकता है? बिटिया घर में आई है तो आग लग गई। ये का बात हुई लल्ला? अंगार उगल रहो है शब्दों के नाम पर। मैं अपने शब्दों का ही मान नहीं रख पाया। जिस बेटी का तर्पण किया उसे ही घर में रखना पड़ा। मेरे परिवार ने ही मुझे विवश कर दिया। मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी पुत्री। समस्त परिवार मेरे विरुद्ध हो गया। मुझसे ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे जैसे मैं कोई पापी हूं। बाबूजी मैं। बस राधिका, उस अतिथि के जाने के पश्चात ही कोई बात करूं। बाबूजी, मैं यहां से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूं। नहीं विशाखा, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी। उसे जाने दो। बिटिया को रोकने के बजाय उसको घर से जावे को कह रहा है लल्ला? कैसन बाप है रे तू? बिटिया 4 दिन के लिए घर आई है, इतनी रात पे रात तू? वो आज रात यहां रुक सकती है, परंतु कल प्रातः ही इसे यहां से प्रस्थान करना ही होगा। इस कारण समारोह आरंभ होने के पूर्व ही इसे यहां से जाना ही होगा। सब कुछ ठीक तो है ना? बाबूजी ने विशाखा को घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया। कल सुबह जब मुझे हल्दी लगेगी, तब मेरी बहन घर छोड़कर जा रही है। राधिका, अपने आप को संभालो। एक माँ से उसकी बेटी और अम्मा से उसकी पोती दूर जा रही है। राधिका, क्या हमारा प्यार इतना कमजोर है कि वो एक सच नहीं सह सकता? अतीत के एक झोंके ने उसे इतना डरा दिया है कि वो एक सच का सामना नहीं कर पा रहा। क्या हमारा प्यार इतना कमजोर? हम किस बिना पर 7 जन्मों की बात करते हैं? राधिका, ये क्या कह रही हो तू? मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं जानती आपका इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन मैं अपने दिल की बात किसी को अब मैं रखती हूँ। इस समय मेरी बहन के पास होना मेरा जरूरी है।
क्या बात है? कुछ नहीं दादी माँ, आपसे कुछ बात करनी थी। विशाखा को अचानक सामने देखकर जितना सदमा मुझे लगा उससे ज्यादा तुझे लगा होगा ना। विशाखा के साथ तेरी शादी एक दुर्घटना थी, हम उसे सामने कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? दादी माँ, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, पर राधिका और विशाखा की बात सुनने के बाद मुझे यह एहसास हो रहा है कि हम गलत हैं। क्या कह रहा है तू? हम सच को ठुकरा तो नहीं सकते, विशाखा और मैं अलग हो चुके हैं, और विशाखा राधिका की बहन है, तो दादी बाप विशाखा को इस शादी में शामिल होने देना चाहिए। लेकिन तुझ पर क्या बीतेगी? विशाखा को सामने देखकर तुझे अपना अतीत याद नहीं आएगा? तूने जो कुछ सहा है क्या इतनी आसानी से भुला सकता है? अरे दर्द सहने की एक सीमा होती है। दादी माँ, मेरे हर दर्द की दवा राधिका है, उसकी खुशी है, उसकी मुस्कुराहट है, इसलिए तो हर पल मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि वो खुश रहे। ये विनती भी राधिका ने ही की है कि विशाखा को शादी में शामिल होने देना चाहिए। लेकिन देख, तेरी पहली पत्नी तेरी दूसरी शादी में शामिल होगी तो समाज? मैं समाज के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मान जाइए। विशाखा ने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए भुला देना नामुमकिन है। मैंने शास्त्री जी पर निर्णय जरूर छोड़ा है, लेकिन चाहूंगी मैं यही कि विशाखा इस शादी से दूर रहे। क्यों माँ जी? अरे ठीक ही तो कह रहा है देव, मुझे भी लगता है कि विशाखा को इस शादी में शामिल होना चाहिए। वैशाली, तुम शायद भूल रही हो कि उसने इस परिवार के साथ क्या क्या किया। हाँ माँ जी, भूल गई हूँ, और चाहती हूँ कि घर के बाकी सारे लोग भी पुरानी सारी बातों को भूल जाएं। आप ही कहा करती थी ना कि बेटे की खुशी के लिए उसकी बात मान लिया करो, तो आप यूं समझ लीजिए कि बेटे की खुशी के लिए मैंने उसकी बात मान ली है, मैं उसके साथ हूँ। देव कीजिए। मैं आपको स्मरण दिला दूं कि हल्दी आरंभ होने से पूर्व अतिथि को इस घर से चले जाना। मेरा निर्णय परिवर्तित करने की चेष्टा मत करना राधिका, उसे इस घर से इसी क्षण जाना है। क्या मेरी बात भी नहीं मानेंगे शास्त्री जी?